जी माशाल्लाह आज 12 रबीउल अव्वल है और ये जो है तैयारियां वगैरह जा रही हैं। अभी लोग जो है वो झंडे वगैरह खरीद रहे हैं और ये इधर भाई जो है वो झंडे बेच रहे हैं। हाँ ले लिया तुम्हें, कैसा लग रहा? मरहबा। हाँ खान झंडा लेके डाल लो अंदर। माशाल्लाह जी देख लें आप जोशो खरोश के साथ जो है। इंशाल्लाह अभी कोई रात सुबह सुबह का टाइम है और लोग जो है वो बाहर नहीं निकले हुए, लेकिन अभी थोड़ी देर में जुलूस वगैरह निकलेंगे। और मैंने जो है एक ये लिया है और एक बैच, ये दोनों मैंने जो है ना गले में डाली और एक लगा इसने। इस भाई ने जो है झंडा वगैरह लगाया हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही जो है ये मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने भी लेके गले में डाला और ये भी लगाया हुआ लब्बैक या रसूलल्लाह। और लब्बैक या रसूलल्लाह, हमें अपने नबी से मोहब्बत है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप सब मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक। आज माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन है तो इंशाल्लाह आप सबको जो है वो जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। तो इंशाल्लाह आप ये इबादत करें जितनी हो सकती है और दुरूद शरीफ पढ़ें जितना आपसे हो सकता है, खैर वफ़रियात करें तो इंशाल्लाह हमसे भी जितना होगा इंशाल्लाह करेंगे। और आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। बाकी आपको पता है जी गली मोहल्लों में जो है वो तैयारियाँ जोश व खरोश से वो है जा रही हैं और हर लोग जो भी, जैसे ये मैंने भी ये जो है ना ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस दुपट्टे पे लिखा हुआ है जो मैंने गले में डाला हुआ है और ये मैंने जो है पैच वगैरह भी लगाया हुआ है। तो इसी तरह हर बंदा जो है वो शॉपिंग कर रहा है बाज़ार से, इस तरह की जो कोई कोई बैच लगा रहा है, कोई गले में कोई झंडे लगा रहा है बाइक पे, कोई गले में डाल रहा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जो भी जुलूस वगैरह होगा हम आपको दिखाएँगे और इंशाल्लाह खुद भी उस जुलूस में शामिल हो गए, क्योंकि आजकल जो है ना आज का दिन सारा दिन जो है वो जुलूस वगैरह ही होंगे और मस्जिद में इबादत वगैरह होगी और जो भी तकरीर वगैरह होगी इंशाल्लाह जितना हम आपसे शेयर कर सकेंगे आज हमको दिखाएंगे ज़रूर। माशाल्लाह रैली बहुत ही जोश व खरोश के साथ ईद व मिलाद नबी मनाया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है लोग बाहर निकल आए हैं और ये हजूर सल्लम की मोहब्बत में जो है सारे लोग माशाल्लाह झंडे उठाए हुए हैं और बाहर निकले हुए हैं माशाल्लाह। Yeah, buddy.
माशाल्लाह जी, स्टेज भी लगा हुआ है, इधर तकरीर वगैरह सारा कुछ जो है वो होगा आज। बहुत ही जोशो खरोश के साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दुरूद व सलाम की गूंज, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या रहमतन लिल आलमीन। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, जौबन में रहकर कांटों में फूल जिंदा है। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, जौबन में रहकर कांटों। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, आप से मुफस्सिरीन से पूछो कि अल्लाह के फजल से क्या मुराद है और रहमत से क्या मुराद है। अल्लाह के फजल से कुरान मुराद है, रहमत से नबी की जात मुराद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर खुशी का इजहार करना आले ईमान का तरीका है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम का मिला कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत व शहादत का तज़किरा खुद फरमाया है। तो मैं दोस्तों, मैं हदीस भी पेश करूंगा। इससे पहले कि हमारे घरों के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं, कहते हैं मेरा फलां बच्चा फलां जगह पैदा हुआ, मेरा फलां बेटा फलां वक्त पैदा हुआ, फलां की हुकूमत थी, फलां दिन थे, ऐसा ऐसा। मैंने कहा मौलवी साहब तू भी ऐसे बयान करता है? कहा हाँ। मैंने कहा ये फिर गलत नहीं, फिर ये बिदअत नहीं, ये शिर्क नहीं? कहा नहीं नहीं, अपने बेटे की विलादत का जिक्र करना ये शिर्क कैसे हो गया? मैंने कहा फिर तुझे शर्म होना चाहिए जब तू अपने घर में बैठ के, अपने डेरे पे बैठ के अपने बेटे की विलादत का तू जिक्र करता है। फुला दिन में पैदा हुआ, फुला इलाके में पैदा हुआ, फुला सरकार के मौजजात, सरकार के अलम नसरा का सीने का बयान, हद्दुहा के मुखड़े का बयान, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों का बयान, सरकार की रामरुका की प्यारी जान का बयान होता है। मेरे भाइयों सुनो, नूर अली सलातु सलाम की विलादत व शहादत का तज़किरा जी। माशाल्लाह, हम जो है वो जुलूस से वापस आ चुके हैं और मैंने आज देखा है माशाल्लाह जितना लोगों का प्यार है, जितने लोग जो है वसल्लम की मोहब्बत में बाहर निकले हुए थे। जुलूस काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझसे जितना दिखाया गया मैंने दिखाया, लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़ा जुलूस था और तकरीर वगैरह भी हुई है। और इंशाल्लाह बहुत आज मज़ा भी आया और सुकून भी आया। इंशाल्लाह आप भी इबादत कीजिएगा और जुलूस वगैरह में ज़रूर तशरीफ़ लेके जाइएगा और अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग पर। तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।